हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आ गए हैं एक और अलग और यूनिक रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे हम अपने मम्मी के स्टाइल में कटहल का रेसिपी। तो ये हमारा सॉफ्ट वाला कटहल है, तो थोड़ा सा हमने इसे बॉयल किया है, 50% हमने बॉयल किया है और बाकी हमारे 50% ऐसे ही है। तो हम आगे बताते हैं, तो अगर जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको बराबर समझ में आएगा। माँ का हाथ का ये रेसिपी है, बना रही हूँ मैं, लेकिन मैं अपने माँ के तरीके से बना रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी है और फुल रेसिपी का मेजरमेंट सब हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, हमने एक बाउल के करीब, हमने एक बाउल से थोड़े कम था बेसन, उसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल के इसमें थोड़ी सी हमने मिर्ची कट करके डाल दी, थोड़ी सी लहसुन अदरक की कुटी और धनिया पत्ता इसे डाल के इसको हम एकदम गाढ़ा सा घोल बना लिया। और ये हमारा कटहल है, तो चलिए हम इसे साइड में रख के, अभी हम पैन गैस पे रख दिया है और इसमें हम ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देते हैं, पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो जिसके लिए हमने एक प्याज को, मतलब बड़े साइज़ का प्याज है, उसको हमने बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया और थोड़ा सा हम इसे सौती होने देते हैं। उसके बाद देखिए, 6 से 7 हमने लहसुन के कली डाल दिया और 2 मिर्च को हम तोड़ के इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और इसमें हम थोड़ी सी अदरक डाल दिया है, थोड़ा सा कट करके, और इसे भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। हमें ज़्यादा मसाला को भूनना नहीं है, हल्का सा हमें इसका कच्चापन दूर करना है। और इसी में हमने एक टमाटर बड़े साइज़ को कट करके डाल दिया और इसे अभी हम थोड़ा, हमें ढक के नहीं पकाना है, बस सादा ही हम ऐसे ही इसे पकाएंगे। और थोड़ी सी चुटकी भर हम इसमें नमक डाला जिससे हमारा टमाटर है थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाए, मतलब अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए, हम इसे अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा सा ही हमें इसे भूनना है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप पूरा वीडियो को देखिए क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यमी बनने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हर तरीके से बनता है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो एक बार ये तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो हमारा मसाला भून चुका था, हम उसे साइड में रख दिया और तेल हमने गैस पे रख दिया है गरम होने के लिए। हम गैस को अभी हाई रखे हैं जिससे हमारा तेल जल्दी गरम हो जाए। तो हमें अच्छे से हार्ड नहीं करना है, तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है, थोड़ा मीडियम ही रखना है। और गैस को हमने मीडियम कर दिया अभी। और चलिए, हम इसमें एक एक कटहल को डिप करके इसे हम पहले फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, इसका फ्राई भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार बनाएंगे तो इस तरीके से, तो आप यकीन मानिए, आप बार बार इसी तरीके से आपको बनाने का मन करेगा। तो हमारा ये बीच वाला जो कटहल का बीज होता है वो नहीं था इसमें, अगर है आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए, हम कटहल को पहले अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसे आप लो फ्राई भी कर सकते हैं, स्लो फ्राई, तो हमने डीप फ्राई कर लिया है, कर रहे हैं इसे, ऐसे ही फ्राई करते थे। तो जब हम लोग छोटे थे तो हमारे मम्मी जो बनाती थी तो हम लोग फ्राई में ही बहुत खा लेते थे, आता तो हमारे फ्राई में ही ख़त्म हो जाता था, इतना ये टेस्टी लगता है। देखिए कितना अच्छा इसका फ्राई भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हम पहले फ्राई करके इसे निकाल लेते हैं। देखिए, तो हमारा मसाला ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम मसाला को पहले पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए, हम पहले फ्राई कर लेते हैं अच्छे से सभी को, जितना भी कटहल है हम पहले इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो हमने इसी के लिए हमने 50% ही बॉयल किया था और देखिए इसमें हमारा अच्छे से बॉयल हो जाएगा। फिर हम इसका ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें हमारा अच्छे से 100% कुक हो जाएगा हमारा कटहल। तो देखिए, हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, देखिए देखने में लग रहा है, आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। तो चलिए, हम पहले इसका मसाला, खड़ा मसाला जो है ना, मसाला पाउडर सब उसे हम करते हैं। तो हमने 1 चम्मच से थोड़ी कम कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी हमने नमक स्वाद अनुसार नमक हम डाल दिए क्योंकि हमने फ्राई कर में भी डाले थे मसाले में, तो ध्यान रखिए। और 1 चम्मच भर के हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दिया है 1 चम्मच के 1/3 भाग। और ये देखिए, 1 चम्मच भर के हम इसमें किचन किंग मसाला डाल दिया और थोड़ी सी हमने जीरा पाउडर डाल दिया है, जिससे हमारा किचन किंग, अगर मसाला नहीं है तो आप मटन मसाला है तो वो ऐड कर दीजिए, नहीं तो आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम पानी में डाल के इसका घोल बना के इसे हम साइड में रख देते। तो चलिए, हम और तेल निकाल लिया, थोड़ी सी तेल रहने दिया इसमें। तो देखिए, हमने 1/2 चम्मच जीरा, 2 से 3
तेज़पत्ता, एक मिर्ची हमने कश्मीरी मिर्च है, और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा। आप चाहे तो और इसमें डाल सकते हैं, जैसे खड़े मसाला, और बाकी का खड़े मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने बस थोड़ा सा ही डाला है, और इसमें हम जो पेस्ट बना के रखे थे मसाले को, वो डाल के थोड़ा सा भून लिए। और अब भी हमारा ऑनियन टमाटर सब का जो पेस्ट है, उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसे हम अच्छे से मिलाते हुए, इसका जब तक हमारा तेल ना छोड़ते मसाला, तब तक हमें मसाला को अच्छे से भूनना है। तो इसे हम अच्छे से पहले भून लेते हैं मसाले को। तो इसे हम ढक के भूनेंगे। जितना अच्छा हमारा मसाला भून के रेडी होएगा, उतना ही टेस्टी हमारा ये रेसिपी बनेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा मसाला भी भून चुका है। इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी, अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने मिर्ची, आप तीखा भी अपने हिसाब से रख सकते थे। देखिए एक थोड़ी सी हमारे जो ग्रेवी है बॉयल होने लगा है, तो इसमें हम एक एक करके जितना भी हमारा कटहल है, हमने थोड़ी सी वैसे ही रखे थे खाने के लिए, और बाकी का हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे हमारा जो कटहल है अच्छे से। इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट बॉयल होने देते हैं। इसे आप मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक होने दीजिए। देखिए हमारा कटहल का रेसिपी बन चुका है, माँ के हाथ का बहुत ही टेस्टी यम्मी लगता है। तो देखिए हमने सर्व भी कर लिया है। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा जो आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। ये देखिए हम आपको नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, देखिए देखने में कितना टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। बहुत ही, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने चावल, थोड़ी सी पापड़, चिप्स और अचार और थोड़ी सी सैलेड लेके हमने इसे सर्व किया है। तो इसे अच्छे से आप, ये देखिए कितना सॉफ्ट बन चुका है, कि देखने में कितना जूसी सा यमी सा हमारा बन चुका है कटहल का रेसिपी। तो आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा।